एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में। वक्त हो चला है हल्द्वानी की खास खबरों पर एक नजर डालने का। शुरू करते हैं हल्द्वानी की पहली खास खबर से। हल्द्वानी में आज इलाज के खर्चे से तंग आकर किसान ने अपनी जान दे दी। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र के निवासी जय दत्त जोशी लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे और उपचार में आए दिन हजारों रुपए का खर्चा हो रहा था, जिससे तंग आकर उन्होंने 22 अप्रैल को जहर खा लिया था। उन्हें गंभीर अवस्था में सुशीला तिवारी अस्पताल लाया गया, जहां कल देर रात उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कल रात हल्द्वानी की कालाढूंगी रोड स्थित जीके कलर लैब में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसी में वी मार्ट का भी शोरूम है। हल्द्वानी की मेन बाजार में आग की घटना होने के कारण वहां के लोगों की भीड़ लग गई। इस घटना में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। हल्द्वानी शहर में चोरियों के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। शहर में चोरी के बढ़ते मामलों ने लोगों में दहशत का माहौल बना दिया है। वहीं पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर भी लोगों में गुस्सा है। अब हल्द्वानी में चोरों ने चौफुला में एक बंद घर के दरवाजे का ताला तोड़कर हजारों की नकदी और अन्य सामान चुरा लिया है। पीड़ित ने पुलिस को चोरी की घटना का खुलासा करने की गुहार लगाई है। हल्द्वानी के सीतापुर आई हॉस्पिटल में गर्मी की वजह से इन दिनों रोजाना 80 से 100 आंख की परेशानियों से जुड़े मरीज आ रहे हैं, जिनमें धूल की वजह से हुई एलर्जी के मरीज तो हैं ही, साथ ही मोतियाबिंद के मरीजों को भी गर्मी की वजह से ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीतापुर आई हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर अरबाब आलम ने बताया कि गर्मी के मौसम में आंखों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन लग गई है। इस मशीन की मदद से अब कोरोना के नए वेरिएंट का तुरंत पता लग सकेगा। मशीन लगने से रिसर्च के कार्य और मेडिकल के छात्रों की पढ़ाई में काफी मदद मिलेगी। कोरोना वेरिएंट की पहचान के लिए हर महीने कोरोना संक्रमित के सैंपल दिल्ली और देहरादून मेडिकल कॉलेज के लैब में भेजे जा रहे थे, जहाँ काफी दबाव होने से जाँच की रिपोर्ट में देरी लग रही थी। लेकिन इस मशीन के हल्द्वानी में लग जाने से फौरन ही संक्रमित का पता चल जाएगा। हल्द्वानी की खास खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जेजेएन न्यूज में जारी है, तो आप बने रहिए और देखते रहिए जेजेएन न्यूज। धन्यवाद।